जालौन में एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर को फोन करके 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। वहीं फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस का बड़ा अधिकारी बताया है, जिसके बाद परेशान चिकित्सक ने पुलिस से शिकायत की है। इन दिनों सेल फोन जितना आपके लिए सुविधाजनक है उतना ही रिस्की भी। इन दिनों साइबर क्रिमिनल कई तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कभी किसी को सस्ती कार खरीदने के नाम पर ठगा जाता है, तो किसी को लॉटरी या आवास के लिए रुपए दिलाने के नाम पर, तो कभी साइबर ठग आपके एटीएम को अपडेट करने की बात कहकर आपसे ओटीपी पूछ लेते हैं और आपके खाते का अमाउंट साफ कर देते हैं। लेकिन अब तो हद हो गई, जब एक अनजान नंबर से पुलिस अधिकारी बनकर डॉक्टर को फोन किया गया और उससे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। जालौन नगर क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनसे पैसों के लिए मांग की गई है और ना देने पर उन्हें चैम्बर में घुसकर गोली मारने की धमकी के साथ झूठे मुकदमे में जेल भेजने की भी धमकी दी जा रही है। चिकित्सक के नंबर पर जिस नंबर से कॉल आया उसे ट्रू कॉलर पर सर्च किया गया तो उसके प्रोफाइल पर किसी पुलिस अधिकारी का फोटो लगा हुआ था, जबकि नाम के आगे लिखा था बाबा खान। जब हमने इस फोटो को सर्च किया तो पता चला कि यह तस्वीर साउथ के किसी पुलिस अधिकारी बी सत्यनारायण की है। घटना के बाद डरे हुए चिकित्सक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है और पैसे मांगने वाले आरोपी की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, आपके साथ कुछ घटना घटित हुई है, क्या हुआ है, मामला बताएं। कल मैं चैम्बर में मरीज देख रहा था, तभी एक फोन आया, उसका नंबर मेरे पास है। तो उसमें कहा उसने कि मुझे 2 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे या हम, मैं पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।